नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बैंकों की इजाजत के बिना सीबीआई किसी केस में नहीं करेगी दखल। सरकारी बैंकों के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिलाया भरोसा। बैंकों को दर्ज सतर्कता संबंधी मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश। अधिसूचित पेमेंट मोड में 1 जनवरी 2020 से नहीं लगेगा एमडीआर शुल्क। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की जयंती पर देश ने किया याद। द रिनेसा मैन, द मैनी फेसेट्स ऑफ अरुण जेटली किताब का उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया विमोचन। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अरुण जेटली ने देश हित को हमेशा सबसे ऊपर रखा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया प्रखर वक्ता और महान अर्थशास्त्री। सभापति एम वेंकैया नायडू ने जारी किया राज्यसभा का साल 2020 का कैलेंडर। गांधी जी की शिक्षा को बनाया गया है केंद्र बिंदु। हर महीने के पन्ने पर बापू का एक खास संदेश है अंकित। सभापति ने कहा महात्मा गांधी के विचार मौजूदा समय में और ज्यादा प्रासंगिक। बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर पिछले 5 सालों में वादे नहीं पूरा करने का लगाया आरोप। जनता की ओर से पार्टी की जारी चार्जशीट में आयुष्मान भारत का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचाने, अनधिकृत कॉलोनियों की अनदेखी करने और साफ पानी प्रदूषण के मुद्दे पर नाकामी का दावा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा अच्छे सुझावों पर करेंगे अमल। और उत्तर भारत में भीषण शीत लहर का प्रकोप। दिल्ली में मौसम का सबसे ठंडा दिन 1.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई जगह शून्य से नीचे तापमान दर्ज। खराब विजिबिलिटी से उड़ानों पर असर, 24 से ज्यादा ट्रेनें लेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री ने जांच एजेंसियों को लेकर बैंक अधिकारियों के मन में डर को दूर करते हुए कहा कि सोच समझकर फैसले लेने वाले डरे नहीं। उन्होंने कहा कि बैंकों की इजाजत के बिना सीबीआई का किसी केस में दखल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि वो भ्रष्टाचार को लेकर उनके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सतर्कता संबंधी मामलों का जल्द से जल्द निपटान करें। साथ ही वित्त मंत्री 1 जनवरी 2020 से मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर के तहत शुल्क नहीं लगने को अधिसूचित करने की बात भी वित्त मंत्री ने कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीबीआई निदेशक भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने बैंक अधिकारियों से कहा कि उन्हें जांच एजेंसियों से किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है और सीबीआई अपनी ओर से किसी मामले की जांच की पहल नहीं करेगी। One of the decisions taken in the presence of this CBI director and which came as a pleasant point of agreement for the banks also was in the next few months CBI will hold more than a couple of meetings with all the banks various levels of officers to explain to them what exactly they do after receiving from the banks. No case whatsoever involving the banks goes to the CBI without the banks themselves deciding to send it here. There is no suo moto case which the CBI takes against a bank. Banks have an internal committee which look at fraudulent practices in certain accounts or certain cases, and they have well-defined protocols for it. And when the bank's internal committees decide,
only then it goes for information to the Reserve Bank. Post that, it gets referred to the CBI. And these are for 5 crores or more, 3 crores or more suspicious fraudulent cases. वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को बेवजह की परेशानी ना हो, इसके लिए वो ईडी, डीआरआई, आयकर और सीमा शुल्क विभाग के साथ भी बैठक करेंगी। वित्त मंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया कि वो भ्रष्टाचार को लेकर उनके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सतर्कता संबंधी मामलों का जल्द से जल्द निपटान करें। Over several years, let's be clear, not yesterday, not last year, not just 2 years ago, over several years, there has been an accumulation of vigilance cases within the bank, which the banks have to take a call on, but they've kept it as it is without either closing them or further taking them for action. They're just lying there without a decision being taken within the banks. We have now very clearly given a clear instruction to the banks that they shall go back, form committees with general manager level officials, look at all the cases which have been pending, vigilance cases, which have just remained without decision, and either take a call that it should be further pursued, or with the time and everything else also looked into, either take a call to close them, or take a call to further pursue them. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जिन पेमेंट मोड को 1 जनवरी 2020 से अधिसूचित किया जाएगा, उन पर पेमेंट डिस्काउंट यानी एमडीआर के तहत शुल्क नहीं लगेगा। We shall now notify those payment modes which shall not any longer then charge MDR. So that notification was due from 1st November. After extensive consultation with stakeholders, banks and so on, I'm happy to say that announcement which was made in the budget will see the notification coming on 1st January 2020. Whereby those modes which are getting notified will not have charges under the MDR being levied on them. वहीं वित्त सचिव ने कहा कि 13 सरकारी बैंक मुनाफे में आ गए हैं, एनपीए में कमी आई है, निजी बैंकों समेत सभी बैंकों ने एनसीएलटी के प्रावधानों के तहत 2,80,000 करोड़ रुपए की वसूली की है। The public sector banks have really shown improvements as against 19 public sector banks being in losses in FY18, 13 have come to profit in the current year of so far. You are also aware that you have also read it in the RBI report that their gross NPAs are on reducing. Public sector banks also it has come down to 7.27. And the provision coverage ratio is also at the all-time high, which is 76.6%. इस मौके पर बैंकों में फंसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ई विक्रय प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। ई विक्रय प्लेटफॉर्म पर रिजर्व प्राइस के साथ 35,000 प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग की जाएगी। बैठक में बैंकों के आउटरीच प्रोग्राम की समीक्षा भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली की आज 67वीं जयंती है। इस मौके पर आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उनके जीवन पर लिखी किताब द रिनेसा मैन द मैनी फेसेट्स ऑफ अरुण जेटली का विमोचन किया। अरुण जेटली को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अरुण जेटली ने देश हित को हमेशा बाकी चीजों से ऊपर रखा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनमें प्रभावी ढंग से संवाद करने और जटिल से जटिल मामलों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने की क्षमता थी। शॉर्ट स्पैन आई हैव लॉस्ट टू ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स श्री अरुण जेटली एंड श्रीमती सुषमा स्वराज बोथ ऑफ देम वर लाइक माय फैमिली मेंबर्स टू हुम आई यूज्ड टू लुक अप टू व्हेनेवर आई फेस्ड एनी डायलेमा और प्रॉब्लम ही वाज अ मल्टीफेसेटेड जीनियस and a powerhouse of knowledge, with a sharp analytical mind. Of course, his biggest asset was his ability to communicate effectively, timely,
and explain even the most complex matters in a simple, lucid manner. His deft handling of the economy at a critical juncture is all too well known. Sri Jetriji's persuasive skills and the spirit of camaraderie were in full display to evolve a consensus and bring everyone on board during the tough negotiations for introducing one of the most awaited and revolutionary taxation measures, the GST. कार्यक्रम में मौजूद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अरुण जेटली खेल प्रेमी भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और सबसे ज़्यादा प्रखर वक्ता थे. उन्होंने सबसे ज़्यादा सांसद के रूप में लोकतंत्र में भूमिका निभाई. वो खेल प्रेमी भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और विशेष रूप से उन्होंने जीवन भर एक सांसद के रूप में एक लोकतंत्र की अटूट आस्था विश्वास के साथ उन्होंने संसद में एक भूमिका निभाई और संसद के अंदर जब सांसद थे तब भी, जब प्रतिपक्ष के नेता थे उस समय भी और सरकार में मंत्री थे तब भी, जिस समय जैसी संसद में स्थिति होती थी एक प्रखर वक्ता के रूप में एक सार्वगर्भित तरीके से एक तर्क से अपनी बात को रखते थे. वही कार्यक्रम में मौजूद किताब की लेखिका दीपा वेंकट, प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश और वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने भी अरुण जेटली को याद किया. He was truly a Renaissance man, a multifaceted genius who dreamt of a resurgent India and who handled with equal felicity the turbulent waters of politics and the complexities of the legal cases. He wore many hats, including that of a cricket administrator. India didn't have a politician like Arun Jaitley, gifted as he was with the unique ability to transcend domains. Politics, business, economy, law, justice, governance, media, culture, arts, and society. His scholarship was secular in the sense that he could speak with authority on any subject. He had the ability to navigate complex and controversial issues, often laced with ideology, and to make a virtue of them. His universal appeal won him friends across the political divide, and that's the reason his affable integrity and commitment to the India growth story. एक किताब में उनके जीवन को समेट पाना आसान काम नहीं था. हर्षा जी ने और दीपा जी ने उन पर जितने आर्टिकल लिखे गए अरुण जी के जाने के बाद उन सबको कंपाइल किया, जितने लोगों ने उन पर कमेंट किए उनको कंपाइल किया. हम जानते हैं कि अरुण जी के पास हर सवाल का जवाब होता था, लेकिन अरुण जी के सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं होता था. और ये विचार इस किताब में से निकल के आता है, क्योंकि जिन लोगों ने लिखा ये वो लोग हैं जो अरुण जी को बहुत करीब से जानते थे. आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के जयंती के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. पूर्व वित्त मंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली की बिहार में प्रतिमा लगाई गई है. पटना में उनकी जयंती के मौके पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया. वित्त मंत्रालय ने स्वर्गीय अरुण जेटली की याद में हर साल अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर श्रृंखला आयोजित करने का फैसला किया है. इस श्रृंखला के तहत पहला मेमोरियल लेक्चर 20 मार्च 2020 को होगा.
इसके अगले दिन अर्थशास्त्रियों का कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा जिसमें ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हिस्सा लेंगे। संसद भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिक्षाओं को केंद्र में रखकर राज्यसभा का 2020 का कैलेंडर 28 दिसंबर को जारी हुआ। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कैलेंडर को जारी करते हुए गांधी जी की शिक्षाओं, सत्य, अहिंसा के साथ कर्तव्यों पर खास जोर दिया। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, नेता सदन थावरचंद गहलोत, संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुरलीधरन और वाइस चेयरमैन पैनल के सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय और सत्यनारायण जटिया और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा भी मौजूद थे। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी 2020 का कैलेंडर बेहद खास है। बीते दोनों सालों में जो कैलेंडर जारी हुए उसे काफी सराहना मिली थी। इस बार का कैलेंडर गांधी जी की शिक्षा को केंद्र में रखकर बनाया गया है। सभापति एम वेंकैया नायडू के ही दिशा निर्देशन में इस थीम को साकार किया गया। कैलेंडर का लोकार्पण करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गांधी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनकी जयंती के 150वें साल में भी उनकी शिक्षा और सोच उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस वक्त थी। His message is timeless and not limited to a calendar year, but as a small tribute from our side, from the Rajya Sabha, through our calendar, we wanted to convey to the present generation, younger generation particularly, the life and message and teachings and preachings of Mahatma Gandhi. The calendar captures various themes based on Gandhiji's life and work, such as Satyagraha, truth and non-violence. Sarvodaya, upliftment of all. Swarajya, freedom in the real sense. Swachhata, cleanliness and sanitation. Samarasta, harmony and peace. Swadeshi, self-reliance. Grama Rajya, Gramin Vikas. Removal of untouchability. Following traditions and blending them with modernity. Nayi Talim, education for life. सेवा, the spirit of service, and the leadership and public service. कैलेंडर में हर महीने के पन्ने पर गांधी जी का एक खास संदेश अंकित है। जनवरी महीने का संबंध सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा से है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष के दौरान गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चंपारण में नील किसानों के शोषण से मुक्ति इसी हथियार से मिली। वहीं दांडी सत्याग्रह स्वतंत्रता आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी तरह फरवरी महीना सर्वोदय को समर्पित है। यही दर्शन गांधी जी की स्वराज की संकल्पना का मूल था। मार्च का महीना स्वराज को अर्पित है। गांधी जी की स्वराज की अवधारणा महज स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी, दायित्वों पर उनका खास फोकस था। Gandhiji placed a greater emphasis on duties. He believed that rights and duties were the two sides of the same coin. He said, and I quote, "The true source of right is duty." इसी तरह अप्रैल महीना स्वच्छता पर केंद्रित है। साफ सफाई और स्वच्छता के लिए गांधी जी ने अनूठा संघर्ष किया। कैलेंडर का लोकार्पण करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने स्वच्छ भारत अभियान को इसी कड़ी का विस्तार और जन आंदोलन बताया। राज्यसभा के कैलेंडर में मई का महीना समरसता पर केंद्रित है। कैलेंडर में जून का महीना स्वदेशी पर केंद्रित है। गांधी जी के आत्मनिर्भरता के विचारों का ही विस्तार स्वदेशी आंदोलन था। जुलाई महीना ग्राम राज्य और ग्रामोत्थान पर केंद्रित है। अगस्त माह का केंद्र बिंदु छुआछूत को मिटाना है। राज्यसभा कैलेंडर में सितंबर का महीना परंपरा और आधुनिकता पर केंद्रित है। दुनिया भर के श्रेष्ठ विचारों को स्वीकार और अंगीकार करने के बावजूद भारतीय मूल्यों में उनका दृढ़ विश्वास था। कैलेंडर में अक्टूबर महीने का फोकस नई तालीम है, जो गांधी जी के 18 प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रमों में अहम रही। इसमें व्यावहारिक कौशल केंद्रीय भूमिका में है। वहीं नवंबर का महीना सेवा पर केंद्रित है। गांधी जी कहते थे, मेरे लिए मानवता की सेवा या सभी प्राणियों की सेवा ही धर्म है, और मैं ऐसे धर्म और राजनीति के बीच कोई भेद नहीं करता हूं।
इसी तरह दिसंबर का महीना नेतृत्व और लोक सेवा पर है। गांधी जी मानते थे कि मंत्रियों को अपने पद को सेवा के साधन के रूप में देखना चाहिए। सिद्धांत विहीन राजनीति गांधी जी के लिए महापाप थी। This year we have, under the kind guidance of Honorable Chairman, we have selected a very important theme. As you are aware that this is the 150th birth centenary of Mahatma Gandhiji. So now there is a calendar which has basically captures the ideas of his values for life and his idea of the country, idea of India. This has been captured in the calendar. And as you would see in this calendar that is will be released by Honorable Chairman, that it depicts the vision of this person who lived and thought and beyond his times. पिछले लगातार तीन सालों से राज्यसभा का कैलेंडर चर्चा में रहा है। 2018 के इसके कैलेंडर में भारतीय संसद को संबोधित करने वाले शीर्ष 12 विश्व नेताओं को शामिल किया गया था। वहीं 2019 के कैलेंडर में विभिन्न कालखंडों के सभी 65 सबसे महत्वपूर्ण नेताओं को जगह दी गई। इन दोनों कैलेंडर की थीम बेहद खास रही और इनकी सराहना हुई थी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जनता का आरोप पत्र जारी किया। इस आरोप पत्र में उन वादों का जिक्र किया गया है जो दिल्ली सरकार की ओर से किए तो गए थे लेकिन कभी पूरे नहीं किए गए। आरोप पत्र में इसका बकायदा लेखा जोखा दिया गया है। बीजेपी की ओर से शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लोगों को खुलेआम भड़काकर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को जलाने की साजिश की है। साथ ही साफ पानी का वादा भी पूरा नहीं किया गया। आयुष्मान भारत से भी दिल्ली को वंचित रखा गया है। साथ ही केजरीवाल सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों का एक भी नक्शा नहीं बनाया, इसीलिए केंद्र सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया। प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्योरीफायर भी नहीं लगाए गए। साथ ही केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों में 30,000 बेड लगाने का जो वादा किया था उसे तो पूरा नहीं किया गया, बल्कि अस्पतालों में मौजूदा बेड्स की संख्या भी 200 कम हो गई। जहां 70 में से 67 सीटें जीते थे वहां 70 में से 65 सीटों पर तो हमने उनको बुरी तरीके से हराया है। और इसीलिए मैंने बार बार कहा कि ये 5 महीने से जो अचानक घोषणाएं कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो दिल्ली के लोग ये फैसला करें कि उनको 5 साल का ईमानदारी से काम करने वाला और लोगों के हितों की ईमानदारी से रक्षा करने वाला, या उनको 5 महीने की ये जो एक्टर वाली और झूठी वाली और जो पब्लिसिटी करने वाली और लोगों को जो है गुमराह करने वाली सरकार चाहिए। इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी से सवाल पूछा है कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया, बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया, साथ ही महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी बार बार वही 3 प्रश्न पूछ रही है, वही 3 प्रश्न जनता के दिमाग को बार बार उद्वेलित कर रहे हैं, आक्रोशित कर रहे हैं। वो प्रश्न क्या है? अर्थव्यवस्था को आपने चौपट क्यों किया? 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का आपने क्यों तोड़ा? महिला सुरक्षा की यह हालत कैसे बनी? ये 3 प्रश्न हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर बीजेपी के आरोप पत्र पर कहा कि वो इसे पढ़ेंगे और जो भी अच्छे सुझाव होंगे वो उन्हें अगले 5 साल में लागू करेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है। ना तो दिल्ली के चुनाव के लिए कोई मुद्दा है, ना चेहरा है, ना कोई काम है। मुद्दे पे आ जाएं, चेहरों पे आ जाएं, लीडरशिप पे आ जाएं। आज अरविंद केजरीवाल जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के कौन सा दिल्ली का लीडर खड़ा होता है बताएं? मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा काम खड़ा होता है दिल्ली सरकार का? भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों से या अपने नगर निगम से काम निकाल के लाए ना, मुद्दा निकाल के लाए ना, कुछ भी अफवाह फैलाते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। राजधानी दिल्ली में अगले साल फरवरी की शुरुआत में चुनाव कराए जा सकते हैं। अब सभी की नजरें दिल्ली विधानसभा चुनावों पर ही टिकी हुई है।
दिल्ली का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और जाहिर है भाजपा और अन्य विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। इस बार देखना ये है कि क्या भाजपा अपना परचम लहरा पाएगी या इस बार भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनी रहेगी। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम अर्थनीति। नमस्कार।